दुनिया जाती है, यहां पर असली मजा है, यहां पर असली मजा है, यहां पर मैं आपको असली मजा दिखाता हूं। यहां पे थोड़ा सर बचा कर कल रात को क्या जबरदस्त वाली नींद आई है। शिमला अपना रिच घूमने के बाद इतनी जबरदस्त वाली नींद आई है, क्या बताऊँ। वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी बज रहे हैं 8:04 और हम यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 8:30 या 9:00 के बीच बीच में लीव कर लेंगे। और सबसे पहले हमने चैल में अपना होटल चेक इन करना है और उसके बाद जाएंगे हम नारकंडा, जो हमारी आज की डेस्टिनेशन पॉइंट है। उसके बाद हम वापसी की और कल करेंगे प्रोसीड। तो रात को नींद बिल्कुल एकदम फ्लैट आई है और पीछे रूम की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज कल रात को सारे कपड़े गीले हो गए थे, तो सारे के सारे कपड़े बेड पर खिलार दिए थे, तो उस करके भी थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी। और अभी भी कुछ कपड़े ही सूखे हैं, बाकी सारे के सारे कपड़े गीले हैं। तो वी आर थिंकिंग कि या तो हम एक टी शर्ट पजामा नवा ले लें, या फिर हम दूसरे होटल में जाके थोड़ा सा देखें कि हाँ वहाँ पर अगर कुछ मिल जाएगा हमें सुखाने को, तो वहाँ जाके सुखा लेंगे। तो जब मैं लीव करूँगा तब आपसे मिलता हूँ सीधा आपको बाइक पर। नाउ ऑल सेट टू गो टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो भाई साहब ये रोड है जो नीचे की ओर जा रही है, इट्स टू डेंजरस अभी मेरे लिए लग रही है, क्योंकि मैं अभी इस बाइक पे ऐसे खतरनाक एडवेंचर सॉरी जगह पे निकला नहीं हूँ अभी तक, बट लिटरली इट्स टू डेंजरस फॉर मी टू डू ड्राइव। सो लिटल बिट ऑफ सीन चेंज, पहले हम सोच रहे थे छैल रोड पर जाके रुकेंगे, बट छैल रोड इज अपोजिट साइड ऑफ नारकंडा, तो हम सोच रहे ठियो कि या फिर नारकंडा ही रुक जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस होटल को ही पसंद आ जाए, क्योंकि वो होटल जहाँ हम छोड़ के आए हैं ब्यूटीफुल होटल, बट अफसोस हम अब इस रोड पर निकल चुके हैं, तो इस रोड पर देखते हैं कोई अच्छा होटल मिलेगा। एंड लेफ्ट साइड व्यू इज अमेजिंग, बिल्कुल माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिख रहे हैं जो कि इन ट्रीज से ढके हुए हैं। थोड़ी सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, पेट्रोल की जो सुई है बिल्कुल नीचे आ चुकी है, एंड अभी तक एक पेट्रोल पंप मिला मुझे रास्ते में, जो भी अभी फिलिंग में हो रहा था खुद, तो उस पर लग रहा था टाइम, तो कहा कि आगे 2 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है तो गौर से मिल जाए, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो लेट्स फास्ट फास्ट जाते हैं पेट्रोल भराते हैं, सबसे पहला काम मेन पेट्रोल का है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पंप ईजिली नहीं मिलते, तो टंकी फुल करना ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। अभी हम कुछ मिनट में ठियोग पहुंचने वाले हैं, नियर बाई 4 या 5 किलोमीटर रह गया है ठियोग, उसके बाद नारकंडा। आप देखते हैं ठियोग में रुकना है या नारकंडा में, इट्स अवर चॉइस। आई जस्ट फाउंड द जोस्टल इन ठियोग और अभी हम जोस्टल की ओर जा रहे हैं, बट रोड इज टू मच बैड,
बट जो पिक्चर्स में हॉस्टल की फोटोज देखी है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमें स्टे मिल जाता है तो इट्स बेटर फॉर अस बिकॉज ब्यूटीफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल एवरीथिंग। एंड उसके बाद हम नारकंडा यहाँ से निकल जाएंगे घूमने फिरने के लिए और वापस यहीं पे आ जाएंगे शाम को। तो ट्राई कि कुछ अच्छा हो जाए, पर उससे पहले जो रोड है वो टू मच बैड। रूम इज टू गुड बट एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, तो मतलब नहीं बनता कोई यहाँ पर इतनी दूर आके रूम लेने का। सो वी डिसाइडेड टू गो बैक, बट उससे पहले जो ये रोड झेलनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो एक काम करता, अभी तो अपन की फटने लगी है, तो एक काम करता मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर को, फिर जाके आपसे मिलता हूँ। बैक ऑन रोड। एंड भाई साहब वो जगह ही बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थी। अब जा रहे हैं हम यहाँ से नारकंडा, अब वहीं पे होटल स्टे करेंगे और वहीं पे आज का दिन स्पेंड करेंगे। और वापसी कल हमें लगता है जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि हमें शाम को वापसी किसी भी हालत में पहुँचना है। सो थोड़ा क्विक करना पड़ेगा। माउंटेन की खूबसूरती क्या क्या करवा देती है लोगों से। Here we are in Mathiana and look at this site. तो ये है सेबों की फैक्ट्री कह सकते हैं। यहाँ पर सेब उगते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्होंने रखे हुए हैं। Look at that! Oh my God! It's looking too amazing view from this side. And और भी यहाँ पर ऐसे अलग अलग बाग बनाए हैं, तो इस तरह से खेती की हुई है यहाँ पर सेबों की। तो यहाँ से जो नारकंडा है इट्स 16 किलोमीटर एंड सामने जो झरना बह रहा है, ड्रॉप करके हम आगे जा रहे हैं बिकॉज 12 बज चुके हैं और हमें किसी भी हालत में 1 बजे तक नारकंडा पहुंचना है, नहीं तो हमारा आज का दिन भी ऐसे ही ड्राइविंग में चला जाएगा। और भी सुंदर सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई देते हुए सेबों के बगीचों के। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने सेबों की जो खेती कर रखी है। ओहो, एप्पल का हब है एक तरह से यहाँ पर। आई नो आई एम इन अ कॉटेज हाथू व्यू और यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है सच्ची में। और ये कॉटेज भी बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। तो मैं इसका फुल टूर आपको दूंगा, इससे पहले हम
फ्रेश हो जाएं, और उसके बाद हमने जाना है यहाँ से हाथू टेंपल और वहाँ से हाथू पीक, और वहाँ पर बाइक जा सकती है और यहाँ से व्यू आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से। एंड कॉस्ट जो है वो बहुत ही नॉर्मल है, और इस कॉस्ट में इतनी सारी फैसिलिटीज़ मतलब अमेजिंग। मैं आपको फुल टू टूर दूंगा इस कॉटेज का। एंड विमल भैया इधर देखिए जरा, कैसे हो, कैसा लगा आपको? बहुत सही यार, मतलब मज़ा आ गया। तो अभी हमारा जो प्लान है वो फ्रेश होना है, और उसके बाद हमने जाना है हाथू मंदिर, और यहाँ पे एप्पल के बागान भी है सारी जगह, तो ये भी बहुत अच्छा है। और अपन यहाँ से कल निकलेंगे मॉर्निंग 8 या 9 o'clock, बट अभी इस व्यू का लेते हैं फुल टू मज़ा, और मैं आपको मिलता हूँ फ्रेश हो गए। तब तक आप इस व्यू का मज़ा। You find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away. We won't see another day. We both know this. फ्रेश वगैरह अपन हो गए हैं, और अब लगता है रूम का टूर देना बनता है। तो चलो रूम का पहले आपको एक दे देता हूँ छोटा सा टूर। So this is our room. यहाँ पे चेयर्स वगैरह है, और ये अपना छोटा सा एक बेड, और ये एक मिरर लगा रखा हुआ यहाँ पर। उसके अलावा वॉशरूम दिखाता हूँ, वॉशरूम इज टू मच क्लीन। ये एक यहाँ पे शैंक, और ये अपना हो गया यहाँ पर वॉशरूम, थोड़ा सा गंदा है यूज किया था। तो इसके अलावा और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं, यहाँ पर असली मजा है, यहाँ पर असली मजा है, यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको असली मजा दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सर बचा कर का इश्यू हो सकता है। ये एक झूमर, और ये एक डबल बेड, और ये एक सिंगल बेड यहाँ पर, और असली मजा तो यहाँ से दिस इज गुड, डैम गुड। ये बालकनी व्यू तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। तो अभी जो प्लान है हमारा, अभी हम यहाँ से जाने लगे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सवेरे से सिर्फ एक मैगी खाई है, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो अभी हम एक काम करेंगे, क्या करते हैं विमल भैया, चलते हैं मैगी खाने के लिए। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा बाइक पे।